Now the next topic is top features when it comes to top hosting quality. So first is uptime guarantee. What is uptime? Which is the percentage of time that a hosting service is up and running. Okay, so will guarantee by various companies with certain percentage of time to be up. And that does not mean they will definitely go down for the other percentage of time, but they can say without fail that they will be up for at least that amount of time. Okay, so the reason this is important is because you don't want your site constantly being unavailable or unreachable to your customer. Generally aap dekhiye jab aap koi website open karte hain to wahan par likh kar ke aata hai na ki website is under maintenance, hai na. तो ये क्या है बेसिकली आप कि और जनरली आप देखिए जो आपका ये IRCTC की वेबसाइट है तो ये रात में 11:40 से शायद 12:20 तक इस तरीके का कुछ एक टाइम स्लॉट है जिस टाइम पर क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसमें बुकिंग नहीं की है तो ये देखिए तो उस टाइम पर जनरली ये बुकिंग अलाउ नहीं करते हैं उस टाइम पर ये मैसेज आता है ठीक है तो बेसिकली क्या है कि अप टाइम मीन्स ऑल द टाइम इट शुड बी अवेलेबल है ना जो भी जिस भी टाइम आपका यूजर इसको एक्सेस कर रहा है तो जो आपकी वेबसाइट है वो चलती रहे ठीक है ऑन रहे तो दैट इज बेसिकली अप टाइम गारंटी तो जनरली कंपनीज 98% और 99% तक अप टाइम की गारंटी देती हैं ठीक है तो जब भी कस्टमर इस पर लॉग इन करे तो वहां पर अनअवेलेबल या अनरीचेबल नहीं आना चाहिए ठीक है सो दैट इज बेसिकली अप टाइम गारंटी सो अदरवाइज वाई हैव अ वेबसाइट एट ऑल अ हाई अप टाइम परसेंटेज इंश्योर्स दैट योर ऑडियंस कैन सी एंड इंटरेक्ट विद योर वेबसाइट मोर ऑफन ओके एंड क्वालिटी ब्रांड लाइक होस्ट गेटर ब्लू होस्ट ऑफर आ मोर देन 99% अप टाइम गारंटी एंड दैट्स रियली गुड फॉर योर बिजनेस तो जनरली आप जब रिलायबिलिटी पार्ट कंसिडर करते हैं ना तो अप टाइम गारंटी के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं कि वो वेबसाइट होस्टिंग कंपनी आपके लिए ज़्यादा बेटर है जो आपको ज़्यादा अप टाइम गारंटी देती है 99% अप टाइम गारंटी देने के लिए होस्ट गेटर और ब्लू होस्ट कंपनीज हैं जो कि जानी जाती हैं ठीक है सो दिस इज बेसिकली अ फीचर दैट जनरली होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड्स इज अप टाइम गारंटी नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सो बिकॉज हैविंग एन इशू विद योर वेबसाइट इज नथिंग टू टेक लाइटली एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर कस्टमर सर्विस इज अवेलेबल नॉलेजेबल एंड ईजी टू वर्क विद सो मोर ऑन दिस बिलो बेसिकली सो यू नीड टू कंसिडर दिस पार्ट मीन्स कस्टमर सपोर्ट ऑल्सो ओके सो नेक्स्ट इज the top feature that you need to consider while dealing with the hosting companies. So next is the load time. What is load time basically? Load time is also really important. Recent study shows that the average attention span has shrunk over the years to smaller than that of a goldfish. Okay, so if your website takes even a drop too long to load a page, your business is dead before it's even started. देखिए अब आजकल जनरली हम 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इसमें लोड टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है जनरली पहले आप जब 3G इस्तेमाल करते थे तो देखते थे ठीक है कर्सर घूमता रहता था और उसके बाद वेबसाइट डिस्प्ले होती थी धीरे धीरे करके ठीक है आगे जब हम 5G में मूव कर जाएंगे तो ये लोड टाइम का और जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा सो टू कीप योर सेल्फ इन द रनिंग बी श्योर योर होस्टिंग सर्विसेज हैज अ फास्ट लोड टाइम लाइक A2 होस्टिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू द फास्टेस्ट इन द इंडस्ट्री Okay, so this is also a parameter that you need to consider while dealing with the top hosting quality. Okay, so ये quality के parameter हैं जब hosting quality में हम देखते हैं तो हम क्या क्या features consider करेंगे So first is this uptime guarantee, next is customer support. जब भी कोई query होती है या कुछ भी issue होता है तो वो कितना responding है आपके लिए है ना Third is this load time. ओके कि कितना जल्दी लोड हो जाते हैं पेजेस है ना जैसे स्विच किया किसी और पेज में इंटरकनेक्टेड पेज में आपने मूव किया तो कितना जल्दी आप जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं तो दैट इज बेसिकली लोड टाइम नेक्स्ट इज लोकेशन द नंबर ऑफ सर्वर्स एंड लोकेशन प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट लोडिंग एंड सर्विसेज एंड ऑब्वियसली द मोर सर्वर्स अवेलेबल द फास्टर द सर्विस ओके सो बट Where those servers are found in the world will also affect the quality. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट में अभी जैसे आप गूगल सर्च करते हैं है ना तो गूगल के जो वेब पेज है वो कैलिफोर्निया में उनका जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा सेंटर है तो वहाँ से वो डेटा ला करके और आपको डिस्प्ले करेगा ठीक है तो उसमें कुछ कह सकते हैं कि टाइम लग सकता है मे बी
और इन केस अगर जनरली आप सी अंडर सी आप केबल डालते हैं और उसके बाद इंटरनेट ऑपरेट करते हैं, है ना, तो इन बिटवीन मान लीजिए कि कुछ केबल कट गई सी के अंदर, तो उस केस में वो रूट रीरूट करके और दूसरी तरफ से मतलब दूसरे रूट से ला करके आपको डिस्प्ले करेगा. सो दैट विल टेक टाइम. तो बेसिकली लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आज के टाइम में आप देखें ना, तो कंपनीज के लिए ये जनरली अब कंपनीज क्या करने लगी हैं, जिन कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं वहीं पर वो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने लगी हैं, ठीक है, और अलग अलग लोकेशन में इस्टेब्लिश करने लगी हैं, ठीक है. तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस योर वेबसाइट. ओके, सो द नंबर ऑफ सर्वर्स एंड लोकेशंस प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट लोडिंग एंड सर्विसेज. सो ऑब्वियसली द मोर सर्वर्स अवेलेबल, जितने ज्यादा सर्वर अवेलेबल होंगे द फास्टर द सर्विस, बट वेयर दोज सर्विसेज आर फाउंड, सर्वर्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड will also affect the quality. Okay, so look for the server in substantial location close to you, such as the UK, US, Israel, depending on your location. आपकी location से सबसे पास में क्या पड़ रहा है उस web hosting company की आप services select करें, क्योंकि अभी के time में ये limitation है कि generally वो अपनी home country से ही operate करते हैं, लेकिन अभी आगे आने वाले time में, जैसे अगले आने वाले 5 साल में 10 साल में आप चेंजेस देखेंगे कि अभी जैसे आईटी एक्ट में भी अमेंडमेंट हो रहा है कि फर्दर कंपनीज को जो अपने डेटा सेंटर हैं वो उन्हीं कंट्रीज में एस्टेब्लिश करने होंगे जहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और वहां जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा रखा जाएगा. ओके, तो वो जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कह सकते हैं, सिक्योरिटी की लिमिटेशन है और बाकी सारी चीजें हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएंगी. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर to consider while dealing with this hosting company. Okay, so this is all about the top features that are associated while dealing with the top hosting companies. Okay, so jab bhi aap koi hosting solution choose karte hain to aap ye sab features bhi consider karte hain. Okay, so do you have any doubt or query regarding this, you may ask.